हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गया हूँ फिर से आपके साथ साइंस का सिलेबस रिडक्शन लेकर। लेकिन उसके पहले मैं आपको थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगा, बिकॉज आपके सपोर्ट के बिना मेरा वो वीडियो आप लोग ने इतना पसंद किया, आपके कमेंट्स जो आए साइंस को रिडक्शन को लेकर वो भी मैंने सारे पढ़े हैं। थैंक यू सो मच आपका इतना सपोर्ट के लिए। और आपके उसी वीडियो की वजह से मेरा 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस हो गया है, उसके लिए भी आप लोग को थैंक यू सो मच। आपने इतना प्यार दिया उस वीडियो को, बस मैं चाहता हूं आप ऐसे ही इस साइंस के सिलेबस को रिडक्शन को भी इतना ही प्यार देना, ताकि ये वीडियो भी मैक्सिमम बच्चे लोग तक पहुंचे और मैक्सिमम बच्चे लोग को पता चले कि साइंस में क्या ले भारी रिडक्शन आया है, खतरनाक रिडक्शन आया है। तो आप भी अवेटेड हो, आप भी सरप्राइज हो, एक्साइटेड हो कि क्या होने वाला है साइंस के रिडक्शन के अंदर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के साइंस के रिडक्शन पर जाते हैं। लेकिन उसके पहले मेरे पास आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज है। बड़ा सरप्राइज क्या है? मेरे पास एक बड़ा सरप्राइज है। तो सुनो क्या है बड़ा सरप्राइज, वो बताता हूं। आपके इतने प्यार से मैं इतना खुश हो गया हूं कि मैंने एक चीज आप लोग के लिए प्लान की है, लेकिन आपका उसमें बहुत ही बड़ा सपोर्ट चाहिएगा। देखिए मैं एक आपको समझाता हूं मैंने क्या प्लान किया। मैं आपको थोड़ा टाइम लूंगा, साइंस को और सरप्राइज रहने दूंगा और आपकी एक्साइटमेंट थोड़ी बढ़ाते रहूंगा। लेकिन थोड़ी सी एक बात है आपको बताना चाहूंगा कि मैं लास्ट 7 साल से ऑफलाइन कोचिंग सेंटर चलाता हूं। ये मेरा फर्स्ट ईयर है जहां पर मैं यूट्यूब पर आया हूं। तो मैं जो कोचिंग सेंटर्स है उसके अंदर मैं एक नई सोच चलाता हूं जिसका नाम है जीरो से हीरो तक, जीरो से हीरो तक का सफर। अब ये एक्चुअल में क्या है, थोड़ा टाइम लूंगा बताने के लिए कि मैं ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको डर लगता है मैथ्स में पास हो गए या नहीं, मैथ्स हमारा निकलेगा कि नहीं, इट्स अ मेंटल अटैक टू हैंडसम स्टूडेंट्स। क्या है? मेंटल अटैक टू हैंडसम स्टूडेंट्स। तो हमारा मैथ्स निकलेगा कि नहीं, तो ये सारी चीजें, या फिर मैं स्कोर कर पाऊंगा कि नहीं, मेरे से स्कोर होगा या नहीं, मेरे से ये चीज मैं कंप्लीट कर पाऊंगा, तो ये सारे जो कन्फ्यूजन्स होते हैं, या मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही है मैं ये चीज कर पाऊंगा या नहीं, तो ये सारी चीजें क्लियर करने के लिए मैं आपके लिए एक चीज लेकर आया हूं। मैं नेक्स्ट संडे से, मतलब ये कमिंग संडे से नहीं, नेक्स्ट संडे से हमारा जो सिलेबस का रिडक्शन हुआ है, वो रिडक्शन को निकाल के जितने भी सम्स है उसका रिविजन स्टार्ट करूंगा। हर साल मैं पेपर सॉल्यूशन कराता था, उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता था, लेकिन अब तो गवर्नमेंट ने ही हमारा पेपर रिडक्शन कर दिया है। तो अगर वो पेपर रिडक्शन हो गया है तो हमारे पास एक लिमिटेड सोर्स बचा हुआ है पढ़ने के लिए, और हमारे पास महीने बचे हुए हैं। अगर आज अगर अक्टूबर महीना है तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो अगर आप निकाल भी दो तो हमारे पास 6 मंथ है। तो मैं ये 6 मंथ के अंदर आपको पूरा मैथ्स का रिविजन कराऊंगा। अब ये जीरो से लेकर हीरो तक के सफर में ऐसा है कि जो मैथ्स को डर लगता है, जो बेचारा वीक है, जो लोग कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, जो लोग पैसे नहीं भर सकते हैं, कोचिंग्स में नहीं जा सकते हैं, तो ये सारे उसके अंदर लोग ज्वाइन हो पाए। आप भले जहां पर भी हो, आप बड़े अच्छे कोचिंग में हो, वेरी एंड गुड, आप कोचिंग में जाओ, आप पढ़ो, आप अच्छी स्कूल में हो, बहुत अच्छा पढ़ो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये आपके लिए ही मैंने किया है। ये चीज मैं आपके लिए ही है कि जिसके अंदर मैं आपको जो भी रिडक्शन आया है उसका पूरा एक एक सम सॉल्व करके आपके साथ बताऊंगा, और वो खाली एवरी संडे, ध्यान से सुनना, हर संडे को लेकर आएंगे। हर संडे रात को 9 बजे बराबर, हर संडे रात को 9 बजे हम लोग वो सिर्फ पढ़ेंगे, मतलब उसका कॉन्सेप्चुअल वीडियो पूरा मैं रेडी कर दूंगा, उसका प्रीमियर कर दूंगा। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको उसको सपोर्ट करना है, आपको देखना है, ताकि आपका भी रिवीजन होता रहे। और ये वीडियो, ये प्रोजेक्ट जो है वो मैं 7 साल से मेरे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में करता हूं, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आज मैं यूट्यूब पर पहली बार ट्राई करूं। तो मैं यूट्यूब पर पहली बार ट्राई कर रहा हूं आपके प्लेटफॉर्म पर, तो आपका सपोर्ट चाहिएगा। तो अगर आप सपोर्ट करेंगे तो चैट सेक्शन में लिखिए #support, ठीक है, लिखना मत भूलना। अगर आप सपोर्ट करने वाले हो, अगर आप देखने वाले हो, अगर आप कर सकते हो, मेरे साथ हो, तो जरूर लिखना #support। चलो अब बिना टाइम वेस्ट के, अगर इसकी ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जा सकते हो, वहां पर मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको ज्यादा बता दूंगा मैं इसमें कैसे पढ़ाने वाला हूं। बिना टाइम वेस्ट किए अब हम लोग चलते हैं हमारे सिलेबस रिडक्शन पर। तो देखो कुछ गुजराती में आपके सामने लिखा हुआ है, जो काले अक्षर भैंस बराबर आपके लिए है, और मेरे लिए भी वही था, काले अक्षर भैंस बराबर। लेकिन थोड़ा बहुत मैंने भैंस को भी पढ़ा दिया और पढ़ भी लिया खुद भी, और अब मैं उसका रिडक्शन आपके सामने लाता हूं। चलिए शुरू करते हैं
चैप्टर वन से। तो क्या गया भाई, क्या गया, क्या है मेरे पिटारे में, क्या निकालने वाला हूं? तो देखो चैप्टर वन में ध्यान से सुनना, मैं टॉपिक का नाम लेके बताऊंगा, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। तो टॉपिक है 1.2.4 पेज नंबर 11। चलिए फटाफट पेज नंबर 11 पे जाइए, पेज नंबर 11 पे जाते हैं। पेज नंबर 11 पर से क्या गया है, ठीक है, चलिए चलिए जल्दी चलिए, आप भी चलते हैं, मैं भी चलता हूं, कौन पहले पहुंचेगा, जरूरी बात है कि आप ही पहले पहुंचोगे, आप ही पहले पहुंचोगे। यस, पेज नंबर 11 कहां है, आ गया। यस, पेज नंबर 11। तो देखो पेज नंबर 11 पर आपका 1.2.4 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिलेबस से निकल गया। फटाफट उसको क्रॉस मारो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपके सिलेबस से निकल गया है। चलिए और आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आप लोग का पेज नंबर 13 1.3। चलो चलो जल्दी चलेंगे, कौन पहले, आपके में, अरे आप ही पहुंच जाओगे भाई। हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ, ये वाला भी टॉपिक आपके उसमें से निकल गया है। चलिए और चलते हैं पेज नंबर 10। ले भारी, क्या निकला है पेज नंबर 10 पर, क्या गया, देखते हैं पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 पर गया डिस्प्लेसमेंट इन इट्स एक्टिविटी। ध्यान से सुनना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में तो आपको पढ़ना है, लेकिन उसकी एक्टिविटी जो 1.9, मतलब उसके बेस जो रिएक्शंस वगैरह थे और जो एक्टिविटी थी वो निकाल दी है। मतलब आप लोग को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो पढ़ना ही है, लेकिन उसके बेस जो एक्टिविटी बेस रिएक्शंस थे वो निकाल दिया है, एक्टिविटी निकाल दी है। और एक इंपॉर्टेंट बात, आपको और दो चीज सिलेबस में निकाल दी है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस और एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब सिर्फ प्रोसेस निकली है, मतलब जो पार्ट मैं यहां पर आपको बताता हूं, पेज नंबर पहले 7 पे चले जाओ, फटाफट पेज नंबर 7 पर आ जाओ। पेज नंबर 7 पर देखो, ये जो एक्टिविटी टाइप था, एक्टिविटी 1.4 जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस के बेस था, तो ये जो पूरी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है वो निकाल, प्रक्रिया आपको मैं बताता हूं। यहां पर अगर आप वर्ड देखते हो, देखो यहां पर लिखा हुआ है उष्मा शोषक एंड उष्मा स्पेशक प्रक्रिया। प्रक्रिया मतलब प्रोसेस, प्रक्रिया का मतलब, मैं भी गुजराती सीख गया, पूरी सीख गया, आपको बताऊंगा, मजा आने वाला है, लास्ट तक वीडियो देखो, मजा आएगा, शेयर करते जाओ। तो एक्टिविटी 1.4 पूरी, मतलब यहां से जो भी था वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो वो प्रोसेस निकाल दी है सिर्फ, ठीक है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, मतलब आपको उसका कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। और एंडोथर्मिक, तो देखो एंडोथर्मिक भी मैंने ढूंढ के रखा है, पेज नंबर 9 पर आ जाओ। कौन पहले, मैं पहले, आप पहले, चलो, पेज नंबर 9 पर गया है, क्या गया, तो देखो ये था थोड़ा एंडोथर्मिक का पार्ट जो मैंने कट मारे हुए है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब एंडोथर्मिक की जो प्रोसेस थी वो निकाल दी है, लेकिन आपको उसका कॉन्सेप्ट याद रखना है, मतलब उसके अंदर क्या था, ये डेफिनेशन टाइप थोड़ा बहुत याद रखना, लेकिन वो प्रोसेस आपको कोई एक्सप्लेन करने नहीं पूछे। I hope ये क्लियर है आपको, ये पॉइंट आपके साथ क्लियर कर रहा हूं कि प्रक्रिया मींस प्रोसेस होता है, तो प्रोसेस निकालने में आई है, मतलब रिलेटेड रिएक्शन निकालने में आया है, लेकिन इन केस वो लोग डेफिनेशंस पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है डीकंपोजिशन और कॉम्बिनेशन में आती है वो डेफिनेशन के रिलेटेड। चलिए तो ये चैप्टर में इतना ही बस, मजा आ गया होगा। चलिए दूसरा चैप्टर में क्या निकाला है, दूसरे चैप्टर में क्या है, चलो आप भी पहुंचो, मैं तो पहुंच गया, मैं तो आपसे पहले आ गया। एक्टिविटी 2.1 से लेकर 2.6 तक पूरा काट, क्या सर गलत सुन रहे हो, नहीं सही सुने हो, एक्टिविटी 2.1 से लेकर 2.6 तक पूरी एक्टिविटी कट, मतलब 2.1 एक्टिविटी कट, 2.2 एक्टिविटी कट, 2.3 एक्टिविटी कट, आपके पास टेक्स्ट बुक है करते जाना, 2.3 कट, 2.4 कट, 2.5 कट, 2.6 कट, सारी एक्टिविटी निकल गई। इसका मतलब ये होता है कि इस एक्टिविटी के रिलेटेड क्वेश्चंस आपको नहीं पढ़ने हैं, ध्यान से समझ लेना, कॉन्सेप्ट आपको पढ़, मतलब ये जो टॉपिक है हाउ डज द एसिड बेस रिएक्ट, तो उसके अंदर जो एक्टिविटी है वो नहीं पढ़नी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि द रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड गिव द सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन, वो आपको पढ़ना है, लेकिन वो जो एक्टिविटी के बेस जो भी क्वेश्चंस है,
मेरा कॉन्सेप्ट समझो, यहाँ पर कॉन्सेप्ट पर सब चलेगा, मतलब जो एक्टिविटी के बेस क्वेश्चन है वो मत पढ़ना, लेकिन उस टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो पढ़ लेना। मतलब ये एक्टिविटी का आपको एक भी क्वेश्चन आपको पूछने नहीं वाला है, क्योंकि आपके स्कूल में अगर ये चैप्टर चला होगा तो आपको पता होगा इसमें से पीएच इन एवरीडे लाइफ और पीएच काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो तो आप लोग कर ही लोगे। और एक्टिविटी 2.9 और दूसरी एक्टिविटी निकाल दी 2.9, तो एक्टिविटी 2.9 भी आपकी निकल जाती है। एक्टिविटी 2.9 कहाँ है भाई, एक्टिविटी 2.9 तो इसमें तो कुछ ले भारी था नहीं, लेकिन मेरे लिए तो ले भारी टाइप ही था कि भाई आपको पीएच पढ़ना है, पहले से पता था और वही आने वाला है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ही आपके लिए पीएच, वो पढ़ लेना, वो अच्छे से कर लेना। थिंग चलो आगे चलते हैं। और नेक्स्ट थर्ड, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में से क्या गया, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में से, अरे बहुत ही बढ़िया सरप्राइज, बड़ा सरप्राइज, बड़ा सरप्राइज, लिखो ले भारी आ रहा है, ले भारी, ले खतरनाक क्या है, ले खतरनाक में, चलिए पेज नंबर 40 पर पहुंचो, पेज नंबर 40 पर क्या लाया है सर, क्या नया है, अरे केमिकल प्रॉपर्टीज निकल गई, एक भी केमिकल प्रॉपर्टीज आपको नहीं पढ़नी है, एक भी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल नहीं पढ़ना है, सारी केमिकल प्रॉपर्टीज निकाल दी, अरे क्या सर मजाक कर रहे हो, अरे केमिकल प्रॉपर्टीज निकल गई है, सिर्फ आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज पर ध्यान देना है, अरे मजा आ गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड पेज नंबर 48 पर आओ, जल्दी आप पहुंचो, मैं पहुंचता हूं, आप पहुंचो फटाफट, पेज नंबर 48, चलो 48 क्या है, 48 चलो जल्दी पहुंचे 48, अरे आ गए आप भी आ गए, मैं भी आ गया, आप भी आ गए, चले, अरे बाप रे 3.3.1 प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड निकाल दो, वो टॉपिक नहीं पढ़ना है, वो टॉपिक भी निकल गया, मतलब 48 पेज नंबर का टॉपिक भी निकल गया है। ठीक है, अब आगे चलते पेज नंबर 50, ले भारी सरप्राइज, बड़ा क्वेश्चन, बड़ी मछली जाल में, कौन सा है, देखो 50 पेज नंबर पर, 50 हाफ सेंचुरी, क्या है, अरे बाप रे एनरिचमेंट ऑफ ओर निकल गया, क्या बड़ा टॉपिक निकाल दिया सर, दिल खुश कर देता, 3.4.2 निकल गया, अरे क्या मजा आ गया, लिखो मजा आ गया, हैशटैग मजा आ गया, चलिए आगे, पेज नंबर 52 क्या है, पेज नंबर 52 पे ले भारी सरप्राइज, अरे पता ही चल जाएगा, रिफाइनिंग ऑफ मेटल निकल गया, सर वापस बोलो गलत सुने, अरे सही सुने और रिफाइनिंग ऑफ मेटल निकाल दो, रिफाइनिंग ऑफ मेटल 3.4.6 नहीं पढ़ना है, ये टॉपिक आपका निकल गया, मतलब 3.4.6 आपको नहीं पढ़ना है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल ये जो प्रोसेस थी वो निकाल दी सर, फिर आगे बोलो सर, आगे सबसे भारी सरप्राइज, ले भारी, नेक्स्ट है पेज नंबर 53, कोरोजन निकाल दिया, मैं थोड़ा दुखी हुआ ये सुन के, कोरोजन निकाल दिया, बच्चे लोग को यही तो आता था अच्छे से, कोरोजन मस्त पासिंग का था, थोड़ा निकाल दिया, थोड़ा दुख हुआ लेकिन मजा भी उतना ही आया, निकाल दो यार, जो निकालना है निकालो, तो पेज नंबर 53 3.5 भी निकल गया और उसके प्रिवेंशन भी निकाल दिए, तो दोनों निकल गया, तो इसमें से देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, एनरिचमेंट ऑफ ओर, रिफाइनिंग ऑफ मेटल, कोरोजन और प्रिवेंशन, तो ले भारी यहां से गया केमिकल ऑफ प्रॉपर्टीज, दिल खुश कर देता, मस्त केमिकल प्रॉपर्टीज निकाल दी, क्या मजा आ गया यार, बच्चे लोग को बहुत हार्ड पड़ती थी, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, अरे सर बहुत भारी चैप्टर है, क्या नया लाया है इसमें, अरे बहुत बड़ा बहुत भारी सरप्राइज है इसमें, चलिए पेज नंबर 66, आप पहले, चलिए जल्दी, पेज नंबर 66, अरे 60 आ गया मेरा तो, ये जल्दी जाएंगे, आपको सरप्राइज देंगे, क्या सरप्राइज है, मेरे पिटारे में से क्या निकलता है, जल्दी, मेरे नहीं गवर्नमेंट का पिटारा है, चलिए होमोलोगस सीरीज गई, होमोलोगस सीरीज नहीं पढ़नी, अरे बाप रे मजा आ गया सर, होमोलोगस सीरीज बच्चे को बहुत हार्ड पड़ती थी, तो ये जरा निकाल दिया, मजा आ गया, होमोलोगस सीरीज निकाल दो, चलो वो टॉपिक निकल गया, मतलब 4.2.4 ये टॉपिक आपका निकल चुका है, होमोलोगियस सीरीज, चलिए और भारी सरप्राइज, गेस करो क्या निकाला, बहुत बड़ा भारी टॉपिक निकाल दिया, 4.3 टॉपिक निकाल दिया, पेज नंबर 69,
क्या निकाला, पेज नंबर 69 पर क्या निकाल दिया, क्या निकाल दिया, चलिए चलिए पेज नंबर 6, अरे बाप रे केमिकल प्रॉपर्टीज निकाल दी, केमिकल प्रॉपर्टीज निकाल दी, अरे ये येलो कलर इसे लिख रहा है कि डबल क्रॉस चेक करते हैं हम लोग, दो बार चेक करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड निकाल दिया, क्या निकाल दिया केमिकल प्रॉपर्टीज, नहीं पढ़नी है कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज, अरे मुझे दिल खुश हो जाता है जब केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं पढ़नी, क्यों, बच्चे खुश तो टीचर खुश, केमिकल प्रॉपर्टीज का साला रिएक्शन किसको समझ में आती है ज्यादा, बच्चे भी दुखी हो जाते हैं सर ये बाउंसर मारता है, तो ये निकल गई केमिकल प्रॉपर्टीज निकाल दी, मजा आ गया सर, मजा आ गया, क्या मजा आ गया यार, अरे एकदम मस्त, चलिए चलिए आगे चलेंगे आगे चलेंगे, तो बस ये चैप्टर में से इतना ही देखो इतना ही है तो इतना ही बताएंगे आपको, ज्यादा तो बताएंगे नहीं, मेरे हाथ में है नहीं, अरे बाकी इसमें सोप वाला क्वेश्चन रखा है पढ़ लेना, सोप वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चलिए अब आगे चलते हैं चैप्टर फाइव, बड़ा ईजी था, मैं तो बोलता हूँ कुछ नहीं निकालते फिर भी चलता, लेकिन इसमें दो चीज निकाली है, दो चीज क्या है, तो दो चीज बड़ी ईजी चीज निकाली आपको बता दो, दो चीज क्या निकाली है, चलिए चलिए दिल खुश कर दूंगा, दिल खुश करूंगा, बड़ा मजा आएगा, बहुत आपके मैसेज कमेंट डालते रहना, शेयर करते रहना, जो सो रहे हैं उसको उठाते रहना कि चलो चलो एलिस सर का वीडियो आ गया है, रिडक्शन वीडियो आ गया है, क्या है क्या है क्या है, चलिए चलिए पेज नंबर 84, पेज नंबर 84 पर पहुंचो, 84 आ गया, 84 पर देखो लिमिटेशंस ऑफ मेंडेलीव क्लासिफिकेशन निकाल दिया, पेज नंबर 84 पर, पेज नंबर 84 5.2.2 लिमिटेशंस ऑफ मेंडेलीव क्लासिफिकेशन, ले भारी चीज निकाल दी यहाँ पर, थोड़ा याद रखना पड़ता था, थियोरेटिकल क्वेश्चन था, मजा आ गया लिखो हैशटैग मजा आ गया, चलिए चलिए आगे चलेंगे, पेज नंबर 88 चलो चलो क्या है, ले भारी सरप्राइज है वहां पर, कड़ा खतरनाक, चलो फाड़ू चीजें क्या है, फाड़ू चीज क्या है यहाँ पर, चलिए चलिए, अरे बाप रे ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अरे बाप रे ये बड़ा था, ये जाना ही चाहिए था, ये सबकी दुआ लगी होगी ट्रेंड्स इन, क्योंकि उसमें ट्रेंड बहुत याद रखने पड़ते थे, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस और लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन था, शायद पढ़ाया हो जिसकी स्कूल में तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ाया तो बड़ा खुश कर देता, ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, खतरनाक इसको निकाल दो ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मजा आ गया, चलिए चलिए, तो फिफ्थ चैप्टर में से इतना ही है, लेकिन जितना निकाला उतना अच्छा किया है, बिकॉज ये सारी चीजें हार्ड पड़ती थी, मैं पढ़ाता हूं इसलिए मुझे पता है स्टूडेंट को ये सारी चीजें हार्ड लगती थी, चलिए अब यहाँ पर केमिस्ट्री खत्म हुआ, पैसा हजम हो गया आपका, चलिए अभी खाना हजम हो गया होगा तो आगे चलते, खाने के टाइम पे तो सर आपने वीडियो रखा है, अरे बाप रे खा लो साथ में खाते भी जाओ, चलो चैप्टर सिक्स पर चलते, अरे लाइफ प्रोसेस मेरा फेवरेट, लाइफ प्रोसेस में क्या गया, तो सबसे पहले गया पेज नंबर 105, बड़े सरप्राइज है इसमें, तो बड़े सरप्राइज मिलने वाले हैं, बड़े सरप्राइज है, लिखो हैशटैग सरप्राइज, ले भारी सरप्राइज, आगे लिखना भारी, क्या भारी सरप्राइज है सर, क्या भारी सरप्राइज है, पेज नंबर 105 पर पहुंचो, पेज नंबर 105 क्या है, 105 सर मजा आएगा दिल खुश करूंगा दिल खुश करूंगा तो कमेंट में जरूर बताना सर, दिल खुश कर देता, पेज नंबर 105, अरे क्या है जल्दी पहुंच, मेरा कीबोर्ड चल नहीं रहा है, चलना भाई चलना, चल जल्दी जाते हैं, बच्चे राह देख रहे हैं कब से, चल अरे मेरे घोड़े चल अरे यार 105 आ गए अरे वाह, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन निकाल दिया, अरे खुश हो गए, ट्रांसपोर्टेशन निकल गया मतलब ब्लड का जो ट्रांसपोर्टेशन पूरा सिस्टम दिया हुआ था वो निकाल दिया, और एक सरप्राइज बड़ा सरप्राइज ह्यूमन हार्ट, हैशटैग ह्यूमन हार्ट निकल गया, डिटिंग ह्यूमन हार्ट निकाल दिया बच्चे लोग को पता ही नहीं होता था, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन कंफ्यूज करता था, मजा आ गया ह्यूमन हार्ट निकल गया, अरे क्या बड़ी बात हो गई सर, दिल खुश कर देता, लिखो यार कमेंट में डालो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को उठाओ, जल्दी बोलो ह्यूमन हार्ट निकाल दिया, ह्यूमन हार्ट निकल गया है, चलिए चलिए और आगे क्या निकला है, और आगे, अरे बाप रे ऑक्सीजन इन ब्लड वो भी निकल गया, अरे बाप रे ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इनटू लंग, मतलब डबल सर्कुलेशन भी निकाल दिया है, अरे मजा आ गया ना, मजा किया ना, सरप्राइज, ले भारी सरप्राइज, लिखो ले भारी, बायो में तो बहुत मजा है और भी आगे मजा आने वाला है, चलिए चलिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज, ले भारी, चलो आगे पेज नंबर 108, चलिए चलिए आप पहुंचे, मैं पहुंचा आप पहुंचे, चलो 108, अरे बाप रे ट्रांसपोर्टेशन, जाइलम फ्लोएम टिश्यू वाला पार्ट निकाल दिया, अरे बड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट था, कौन सा जाइलम कौन सा फ्लोएम क्या कैरी करता है स्टूडेंट के दिमाग में लोचा, तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट निकाल दिया, अरे मजा आ गया, ले भारी चलो एक्सक्रीशन इन प्लांट भी निकल गया, पेज नंबर 112, अरे यार सरप्राइज बता दिया ना, चलो कोई बात नहीं, 112
112 पे ये भी निकाल दिया एक्सक्रीशन। अब देखो इसमें आपको ह्यूमन एक्सक्रीशन करना है, थोड़ा सीरियस बात कर लेंगे, ह्यूमन एक्सक्रीशन करना है लेकिन प्लांट का एक्सक्रीशन नहीं करना है। और आगे आप लोगों को न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन का पार्ट है वो भी करना है। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो भी टॉपिक कट हुए, थोड़ा सीरियस बात कर लेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो भी टॉपिक कट हुए वो टॉपिक को छोड़ के आपको करना है, मतलब आर्टरीज वेन जो पार्ट है वो भी करना पड़ेगा। मींस पर्टिकुलर टॉपिक कट किए, मतलब जैसे कि आपका मेन टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन, तो उसमें कौन से कट है वो आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखना बच्चों, पढ़ते वक्त ऐसा नहीं हो कि आप पूरा ट्रांसपोर्टेशन नहीं पढ़ो तो गलत हो जाएगा। फिर ऐसा मत बोला सर ने गलत बताया था, मैं गलत नहीं, मैं सही बता रहा हूं कि आपको सिर्फ जो पार्ट है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन हार्ट, ऑक्सीजन एंटर्स, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट और एक्सक्रीशन, इतना ही टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, बाकी जितने भी टॉपिक है कवर करने। डू रिमेंबर दिस, वहां पर कोई गलती मत कर बैठना, नहीं तो यू आर लायबल फॉर योर ओन मिस्टेक। चलिए चलिए और आगे चलेंगे और चैप्टर 7 पर है। बाप रे सर, चैप्टर 7 क्या बड़ा सरप्राइज, बड़ा सरप्राइज, ले बारी। अरे बाप रे, अरे चैप पेज नंबर 119 पर पहुंचो। चलिए 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 पेज नंबर 116। व्हाट हैपेंस इन द रिफ्लेक्स एक्शन। चलिए चलिए चैप्टर सेवन में क्या गया पेज नंबर 116 7.71 व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन। दिल खुश नहीं हुआ था, दिल दुख हो गया था यहाँ पर। रिफ्लेक्स एक्शन स्टूडेंट को आसानी से समझ में आता और निकाल दिया, दिल दुखी हो गया। लेकिन क्या करे, दिल तो दिल होता है, धक धक करेगा, धप धप करेगा, लेकिन दुखी तो होता ही है। चलो कैंसिल कर दो, उसको कैंसिल कर दो, दिल दुखी कर दिया यहाँ पर द गवर्नमेंट ने थोड़ा, लेकिन चलेगा। दिल खुश हो जाता है जब रिडक्शन आता है तब, क्योंकि स्टूडेंट्स का रिएक्शन धतिंग धतिंग होता है तब। तो यहाँ पर रखो, क्रॉस कर दो, रिफ्लेक्स एक्शन निकल गया। नेक्स्ट आगे 7.1.4 पेज नंबर 119। चलिए खतरनाक, ले भारी है इसमें भारी आना। हाउ डू नर्वस टिश्यू कॉशन एक्शन, ये निकल गया। नर्वस टिश्यू का जो एक्शन था वो आपको पूरा टॉपिक निकाल दिया है। तो ये टॉपिक के रिलेटेड आपको कोई भी नर्वस टिश्यू के रिलेटेड कोई भी एक्शन है उसका वो क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट मूवमेंट टुवर्ड ग्रोथ, पेज नंबर 120। मूवमेंट टुवर्ड्स द ग्रोथ, ये जो मूवमेंट था ये मूवमेंट आपको नहीं पढ़नी है, बराबर। आप अगर स्कूल में हो तो आपको पता चल जाएगा, अगर जो स्कूल में चैप्टर चला है मूवमेंट टुवर्ड्स द ग्रोथ, मतलब जो लाइट वो जो भी था, इसके अंदर एक टॉपिक है ज्यादा यहाँ पर नहीं बोलूंगा, तो ये पार्ट मूवमेंट टुवर्ड्स द ग्रोथ ये टॉपिक आपको नहीं करना है, ये टॉपिक भी निकल गया। तो यहाँ तीन टॉपिक निकाला है जिसमें एक रिफ्लेक्स एक्शन था, दूसरा नर्वस टिश्यू था और तीसरा ग्रोथ था, मूवमेंट टुवर्ड्स द ग्रोथ। लेकिन दिल थोड़ा दुखी हो गया यहाँ पर, रिफ्लेक्स एक्शन निकाल दिया। लेकिन क्या करें, जो निकला है उसमें खुश है, जो नहीं निकला है उसमें भी खुश है। लेकिन ये चैप्टर में बड़ा आसान चैप्टर है, पढ़ लेना, आराम से आपको आ जाएगा। चलो 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 चलो, बच्चे लोग का सबसे फेवरेट टॉपिक, बच्चे कैसे पैदा करते हैं। अरे क्या सुन रहे हो, अरे बच्चे कैसे पैदा करते नहीं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। समझो गलत सच्ची मत सोचो यार, सच्ची सोचो, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, करते ना, हाँ फ्यूचर बनाओगे, अपना भी फ्यूचर बनाना, पता चलेगा। चलो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबको मजा आएगा, मजा आता है। तो गवर्नमेंट ने भी इसमें मजा करा दिया, कोई टॉपिक निकाला ही नहीं है। गवर्नमेंट ने बोला सब पढ़ो, मजा करो, लेकिन उसमें से दो टॉपिक निकाले, ध्यान से सुनो, दो टॉपिक निकाले, जोक्स अपार्ट, ध्यान से सुनो, दो टॉपिक निकाले। कौन से दो टॉपिक निकाले हैं, तो पेज नंबर 127 पर 8.1 और पेज नंबर 127 पर 8.1। डू द ऑर्गेनिज्म क्रिएट द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ, वो निकाल दिया है। और दूसरा 128 पर 8.81 वो एक निकाल दिया, 8.8.1 इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, ये निकाल दिया। मतलब ये दो टॉपिक निकल चुके हैं, तो आप ध्यान से देख लेना, सिर्फ ये दो टॉपिक ही इस चैप्टर में से जाते हैं, बाकी इस चैप्टर को आपको पूरा रीड करना है। और बड़ा आसान चैप्टर है और बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है, हर स्टूडेंट को इंटरेस्ट रहता है। लेकिन आप ये चैप्टर को पढ़ के अपनी सोच जरूर बदलना, जो आप सोचते हो रिप्रोडक्शन वो नहीं है। मैं भी जानता हूं आप क्या सोचते हो और आप भी जानता हूं मैं क्या सोच रहा हूं, तो थोड़ा सोच बदलना, मजेदार चैप्टर है। नहीं पढ़ा है तो एक बार जरूर पढ़ना और डिटेल में पढ़ना, मैं तो बोलूंगा तो मजा आ जाएगा आप लोग को कि ये चैप्टर को क्या पढ़ने लायक है। चलिए चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किया आपका, चैप्टर 9 हेरिडिटरी इवोल्यूशन, मेरे बाप दादा, राइट, हेरिडिटरी इवोल्यूशन। चलिए ले भारी, हेरिडिटी में भारी चीजें, हेरिडिटी में भारी कर दिया वो लोग ने।
9.1 टॉपिक निकाल दिया, पेज नंबर 142, 9.1 टॉपिक आपका निकल चुका है। तो टेक्स्ट बुक में से बता रहा हूँ ताकि आप लोग को ध्यान रहे, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ये टॉपिक के रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन कुछ नहीं करना है, ये टॉपिक आपका निकल गया है। आगे चलते हैं पेज नंबर 147, पेज नंबर 147, भारी सरप्राइज क्या है सर, ले भारी सरप्राइज, चल भाई जल्दी देखते हैं। यस, एन इलास्ट्रेशन, वो एलिफेंट वाला कीड़ी मकोड़े जो भी था अंदर, वो बीटल्स वाले, रेड बीटल, ब्लू बीटल, तो ये पूरा निकल गया। 9.3.1 एन इलास्ट्रेशन ऑन पेज नंबर 147, वो टॉपिक को निकाल दिया। स्या क्या मस्त मजा आ गया, ये टॉपिक निकल गया, ऐसा ही बोरिंग टॉपिक था। चलिए नेक्स्ट 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 156, पेज नंबर 156, पेज नंबर 156, पेज नंबर 156 पर क्या चला गया, पेज नंबर 156 पर क्या गया, चलिए फटाफट देखते 156, जल्दी 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 पहुंचेंगे 156 पर क्या गया, 156 पर जल्दी चले जल्दी, आप चले, मैं चला, आप चले, फटाफट पहुंच गए, आप तो पहुंच गए, मैं जाता हूं पहले जल्दी। इवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड इन अ प्रोग्रेस, 9.6 टॉपिक 9.6 ऑन 156, वो पूरा निकाल दिया है, एक भी चीज उसमें से नहीं करनी है, यहाँ पर पूरा टॉपिक उसको निकाल देने में आया है, पूरा टॉपिक आपका, वो पूरा टॉपिक निकल गया है। तो यहाँ पर आपके इस चैप्टर में से तीन टॉपिक निकलते हैं और जो भी ना के बराबर इंपॉर्टेंट है, बाकी आपका हेरिडिटी वगैरह रह जाता है। मीन्स देखो, मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, आपको इतना ध्यान रखना है, आपको उसके रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं। आप जब डाइजेस्ट लेके, बहुत ऑब्वियस है डाइजेस्ट वाइजेस्ट का यूज करते ही होगे आप लोग, तो डाइजेस्ट का यूज करोगे तब ध्यान रखना है कि इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन है वो मत पढ़ो, एज सिंपल एज दैट। बाकी जो बचे क्वेश्चन है वो पढ़ लो, सीधी बात हो गई, बाकी कुछ करना ही नहीं है आपको, सिंपल है। मतलब यहाँ पर जो टॉपिक जा रहे उसको मत पढ़ो। मुझे पता है ये मैथ्स जैसा रिडक्शन नहीं है, लेकिन जो भी आया है दिल खुश कर देता, टेंथ में बड़ा खुश करूंगा आपको, मजा आएगा, टेंथ में खुश करता हूँ। चलो टेंथ में क्या है, टेंथ में क्या है, बड़ा सरप्राइज निकालो, टेंथ का पिटारा निकालता हूँ, टेंथ का पिटारा। बाप रे बाप, न्यूमेरिकल डिलीट हो गए, एक भी सम नहीं आने वाला, न्यूमेरिकल डिलीट, धटिंग नाच, न्यूमेरिकल सारे डिलीट, एक भी सम नहीं, कुछ नहीं करना है, मजा आ गया सर, बहुत बड़ा दिल खुश कर दिया ना दिल खुश, ऑल न्यूमेरिकल डिलीटेड, कुछ भी नहीं करना है। अब देखो मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, एक बार बता दू यार, नहीं तो जूते चप्पल मारने दौड़ोगे कि सर खुद बता रहे, एक बार गुजराती का पीडीएफ बता दू, गुजराती में खुद लिखा हुआ है वो लोग ने, 10वां चैप्टर कयू छे, जो लोग को भाई थोड़ा बहुत समझ में आता है वो देख लेना, प्रकरण में रहेला बता दाखलाओ, प्रकरण में लेना बधा दाखलाओ, और ये जो पाठ है ये है अभ्यासक्रम में चालू वर्ष में बात करेल मुद्दा, मतलब अभ्यासक्रम, प्रकरण मतलब चैप्टर, चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल्स है सारे निकाल दो, मतलब वो मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला के जो भी न्यूमेरिकल्स थे वो सारे निकल गए, क्या मजा आ गया। तो रे डायग्राम निकले नहीं है, रे डायग्राम का कुछ कंफर्मेशन नहीं है, मैं बताता हूँ वो रे डायग्राम क्यों नहीं निकल सकता है, क्योंकि मैं बताता हूँ आप लोग को, लेकिन बाकी तो निकल गया, क्या मजा आ गया सर, खुश हो जाओ जल्दी जल्दी, हैशटैग खुशी लिखो, चलो 10 चैप्टर न्यूमेरिकल डिलीट, बड़ा सरप्राइज, ले भारी सरप्राइज, अरे का बहुत प्रॉब्लम होती थी। चलो नेक्स्ट आगे चलेंगे, आगे क्या निकल गया, इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर, पेज नंबर 163, ध्यान से सुनना, टॉपिक टू टॉपिक निकला है, इसमें टॉपिक निकाला है, पेज नंबर 163 टॉपिक 10.2.1 इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर्स। तो इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर निकाला है। अब मैंने क्यों बोला कि रे डायग्राम का कंफ्यूजन है, तो देखो मैं यहां पर क्लियर कर दूं आप लोगों को रे डायग्राम का कंफ्यूजन। तो अगर आप यहां पर देखते हो तो देखो वो लोग ने इमेज फॉर्मेशन निकाला है, लेकिन इमेज फॉर्मेशन बाय यूजिंग रे डायग्राम्स उसके बारे में कुछ दिया नहीं है। मतलब आप लोग को हो सकता है वो लोग रे डायग्राम के बारे में कुछ ना कुछ पूछ ले, ऐसे ही न्यूमेरिकल्स में होते हैं, लेकिन यहां पर अगर पूछते हैं तो थोड़ा बहुत आइडिया आप लोग को रहना चाहिए रे डायग्राम। तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेना यार, क्या किसके आपका कुछ जाता है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लो, मजा कर लो, चलता रहता है, ठीक है। तो यहां पर से इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर निकल जाता है। मैं भी जानता हूं कि जनरली रे डायग्राम और रिलेटेड टॉपिक है, लेकिन उसका कोई क्लैरिफिकेशन है नहीं। अब न्यूमेरिकल कौन से है, तो मैंने सिर्फ एक ही अनुमान लगाया कि मिरर और वो वाले जो साइन कन्वेंशन है, बिकॉज वो लोग ने साइन कन्वेंशन का रूल निकाल दिया है, तो इट मे बी पॉसिबल कि लोग साइन कन्वेंशन सिर्फ निकाल रहे। तो आगे चलते हैं, चलिए बड़ा सरप्राइज पेज नंबर 168 पर, पेज नंबर 164 पर तो है ही हम लोग, 66, 67 और यहां पर आ जाता है 68। तो यहां पर देखो साइन कन्वेंशन मिरर फॉर्मूला निकल गया, इसको निकाल दो, निकाल के फेंक दो, इसको साइड पर फेंक दो, साइन कन्वेंशन बाय रिफ्लेक्ट, मतलब इसके साइन कन्वेंशन कुछ आ गया, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, सब गया खड्डे में,
गोली मारो, अखियों से गोली मारे, इसको गोली मार दो, चलो चलो चलो, इसको गोली मार दी, आगे चलते आगे चलते, पेज नंबर 168, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, सॉरी 178, पेज नंबर 178, चलिए चलिए चलिए, आप पहुंचे मैं पहुंचा, जल्दी आप पहुंचोगे, आप पहुंचोगे, मैं तो नहीं पहुंच पाऊंगा। 178 पर पहुंच गए, आ गया हूं, ऑलमोस्ट आ गया हूं मैं, 175, 176 और 178, ठीक है। तो यहां पर देखो, ये वाला टॉपिक है, 10.3.4, ये इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, ये भी निकल गया, ये टॉपिक भी आप लाख का चैप्टर से निकाल दिया, क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, ये टॉपिक भी निकल जाता है, लेकिन इसके रे डायग्राम उसकी प्रैक्टिस कर लेना, बिकॉज वी आर नॉट श्योर, वो लोग ने निकाला तो है लेकिन ये इंटरकनेक्टेड है, तो मैं रिक्स नहीं लूंगा और आपको गाइड करूंगा कि आप लोग कर लेना, आप लोग एक्सपर्ट हो यार, मेरे जैसे थोड़ी हो, आप लोग एक्सपर्ट हो, कर लेना, ओके तो यहां पर आपका ये जो था 10 चैप्टर बड़ा सरप्राइज के साथ, ले भारी सरप्राइज के साथ न्यूमेरिकल डिलीट हो गए, मजा आ गया, दिल खुश कर दिया था, ओके चलिए ये हो गया चैप्टर 10, अब चलते हैं हमारा चैप्टर नंबर 11, और 11 में बहुत बड़ा सरप्राइज, गेस गेस करो, गेस करो फटाफट, सरप्राइज टैग चैट में लिखो, क्या है क्या है क्या है क्या है, बड़ा सरप्राइज है, ह्यूमन आई चली गई, अखियों से कुछ है ना, वो गाना है ना, मेरे को नहीं आता है, हाँ ह्यूमन आई चली गई, आंख मारे ऐसा कुछ है ना, तो ह्यूमन आई चली गई, अरे मजा आ गया, ह्यूमन आई, बच्चे लोग बहुत हार्ड पड़ती थी, लंबा लंबा लर्न करना पड़ता था, इरीज इरीज ये वो, अरे दिल खुश कर देता, ह्यूमन आई निकाल दी, ह्यूमन आई तो छोड़ो, उसका पावर ऑफ अकोमोडेशन भी निकाल दिया, मतलब वो चश्मे का नंबर ढूंढने था, है ना, वो किसको किसको कौन सी लड़की का कितना नंबर है सबको याद रहेगा यहाँ पर, चलो पावर ऑफ अकोमोडेशन निकाल दिया, अरे बाप रे सर मजा आ गया, मजा आ गया, चलिए चलिए और मजा आएगा, और मजा आएगा, और डिफेक्ट निकाल दिए, अरे क्या और बच्चा ही क्या, आप तो चैप्टर में कुछ बताया नहीं, डिफेक्ट निकाल दिए, टिक करते जाना, पेज नंबर बोलना भूल जा रहा हूँ, टिक करते जाना, एक्साइटेड हूँ, पेज नंबर बोल जा रहा हूँ, पेज नंबर 189, 11.2, सर क्या निकाल दिया, डिफेक्ट निकाल दिया, मेरे साथ बोलते जाओ, डिफेक्ट निकल गई, डिफेक्ट निकल गई, क्यों निकल गई, डिफेक्ट का एक भी नहीं आएगा, मतलब हाइपोमेट्रोपिया, मायोपिया और प्रेसबायोपिया, ये तीन डिफेक्ट थी, तीनों डिफेक्ट निकल चुकी है, क्या मजा आ गया, हैशटैग मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, भारी तीन मेन टॉपिक, भारी टॉपिक जो लर्न करने पड़ते, थियोरेटिकल टॉपिक घुमाओ फुराओ, माथा पीछी वाले टॉपिक निकाल दिए, और भी और बड़ा सरप्राइज है, और बड़ा सरप्राइज, पेज नंबर 194 पे पहुंचो, चलो 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 पेज नंबर 194 पे पहुंचो, पेज नंबर 194 पे क्या पिटारे में निकल गया, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तम तम तारा, तन तना तन तम तम तारा, तम तम तारे निकल गए, मतलब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार निकल गया, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार थोड़ा इजी आंसर था, इसको थोड़ा दुख भी हुआ सुन के कि भाई ये टॉपिक निकल गया, मतलब लेकिन तन्नक तारा निकल दिया, इसको निकाल दो भाई, ये आपका थोड़ा लॉस पॉइंट से गिनूंगा मैं, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रखना मांगता था, इसको मांगता था, अपने को मांगता था ये, लेकिन बिडू ये निकाल दिया है तो जाने दो, तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार निकल गया है, चलिए और आगे चलेंगे, और आगे चलेंगे, टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट भी निकल गया, अरे बाप रे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट वाले टॉपिक के अंदर से टिंडल इफेक्ट निकाली है, मतलब टिंडल, देखो एक टॉपिक टू टॉपिक निकाला है, ध्यान रखना सिर्फ स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ना है, लेकिन उसमें जो टिंडल इफेक्ट है वो नहीं पढ़नी है, तो टिंडल इफेक्ट भी निकल गई, पेज नंबर 195, 11.6.1, 11.6.1 टिंडल इफेक्ट वो भी निकाल दिया है, आगे चलते हैं पेज नंबर 196, पेज नंबर 196, आ जाओ उधर भी कुछ नया है, कलर ऑफ सनसेट एंड सनराइज, ये भी गिनूंगा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सही था, इसको रखना मांगता था, ये मांगता था बीडो अपने को लेकिन नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं, इसको भी निकाल दो, 11.6.3 कलर ऑफ सनसेट एंड सनराइज निकाल दिया, कोई बात नहीं, कलर ऑफ सनसेट एंड सनराइज बहुत इजी आंसर था, मेरे को पता था ये एग्जाम में आता भी था, चलो इसको निकाल दिया, चलो जाने दो, इसको गया खड्डे में, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, चलो नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 12, बड़ा सरप्राइज, चैप्टर 12 तो बड़ा सरप्राइज है, क्या लाया सर बड़ा सरप्राइज चैप्टर 12 में, क्या लाया सर, अरे लाया हूं बताता हूं, चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी, न्यूमेरिकल से भरा हुआ चैप्टर, बड़े बड़े कैलकुलेशंस, बड़ी बड़ी ये, मार दो गोली, क्यों, बिकॉज चैप्टर टॉपिक गया है, पेज नंबर 206 पे पहुंचो, बड़ा सरप्राइज है, पेज नंबर 206 पर पहुंचो, 206 पर क्या है, 206 पर क्या है, कहां आ गए, 202 पर आ गए, 202 पर आ गए, 200 ये यहां पर ओहम्स लॉ तक तो सब सही चला है, आगे जाता है, यस, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ये जो चार फैक्टर थे, लेंथ, एरिया और क्या था भाई, टेम्परेचर, मेरे को तीसरा चौथा याद नहीं आ रहा, मटेरियल, तो ये चार जो फैक्टर थे वो निकाल दिए, और अब यहां पर ध्यान से सुनना,
इसके जो रिलेटेड सम थे, मतलब नो न्यूमेरिकल का मतलब ये होता है, इसके जो रिलेटेड सम थे मतलब वो रेजिस्टिडी वाले बड़े बड़े कैलकुलेशन वाले, दथिंग निकल गए, मजा आ गया, ये टॉपिक भी गया, मतलब इसके जो बड़े बड़े सम थे, बड़े सम थे उसको भी निकाल दिए। क्या मस्त मक्खन जैसा किया कि जो बड़े सम है वो निकाल दिए। मतलब न्यूमेरिकल करने आपको ओम्स लॉ के भी करने और वो सीरीज वाले पैरेलल वाले भी करने, वो इजी है कंपेयर टू दिस। लेकिन इसके बेस जो सम है मतलब रेजिस्टिविटी, इसमें एक नया टॉपिक था ना, आपके स्कूल में चला हो, पढ़ाया हो तो पता होगा, रेजिस्टिविटी, उसके सम्स निकल गए। मतलब नो न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस, मतलब इसके रिलेटेड जो भी होगा उसके सम नहीं आएंगे। नेक्स्ट आगे है, एक छोटा सा टॉपिक निकाल दिया, अच्छा था, चलो निकाल भी दिया, नहीं भी निकालते कोई फर्क नहीं पड़ता है। पेज नंबर 219, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है चैप्टर में। इसके पेज नंबर 219 पर क्या है, 219 पर मैं आता हूं आपके पास, 216, थोड़ा नीचे जाऊंगा, 217, 218 और ये 219, इलेक्ट्रिक पावर। ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा दुख भी नहीं हुआ, ज्यादा कुछ था नहीं इस टॉपिक में, रखो या ना रखो, रहो ना या रहो कल, ऐसा कुछ टॉपिक था ये, तो रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इलेक्ट्रिक पावर निकाल दिया है। तो बस आज के लिए इलेक्ट्रिसिटी में इतना ही, आगे कोई रिडक्शन आया नहीं है, होप करते हैं और रिडक्शन मिल जाए, है ना, लालच बुरी बला है, जितना मिला है उतना खुश रहो। चलो तो यहाँ पर ही इलेक्ट्रिक सिटी में से इतना गया। अब बहुत ही बड़ा मेन, खुश कर दूंगा यार, बड़ा सरप्राइज है यार, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या इंटरेस्टिंग है सर, चैप्टर 13 बहुत ही इंटरेस्टिंग वे उड़ा दिया है। सर जल्दी बताओ, हार्ट बीट मत बढ़ाओ, अरे बहुत एक्साइटमेंट में, सीट बेल्ट बांध लो, कुर्सी पर से खड़े मत हो जाना। क्यों? बिकॉज इस चैप्टर में से इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर, डोमेस्टिक वायरिंग तीनों निकाल दिया। सुनने में गलती नहीं, सही सुना, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, डोमेस्टिक वायरिंग, तीनों टॉपिक निकाल दिए। सर क्या बात कर रहे, यस सही बात कर रहा हूं। सबसे पहले आप लोगों को स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा, स्टार्टिंग में एक छोटा सा टॉपिक है, पेज नंबर 225, जल्दी नाचने मान, अचल अचल अचल, मोटर गई है, लेकिन उसके पहले टिक भी कर लो। पेज नंबर 225 क्या गया, पेज नंबर 225, 13.2, मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, करंट कैरिंग कंडक्टर, ये पूरा टॉपिक गया, ये पूरा टॉपिक निकाल दिया, इसमें से कुछ नहीं करना है आप लोग को, ठीक है। नेक्स्ट है पेज नंबर 232, जल्दी, नाचना मत, टॉपिक देख के नाचना मत अब, बिकॉज धतिंग करने लगोगे, बिकॉज उसका क्यों धतिंग का इरादा मैं बोलता हूं, बिकॉज यहां से ये पूरा 13.4 जो है वो इलेक्ट्रिक मोटर है, और इलेक्ट्रिक मोटर निकाल दी है। अब मैं इस टॉपिक के निकलने से खुश हुआ, बिकॉज स्टूडेंट को बहुत ही लंबा याद रखना पड़ता था, प्रिंसिपल, वर्किंग, यूजेस, और स्टूडेंट बोलते हैं सर कितना याद रखूंगा मैं, अब इसका क्या है, उसका क्या है, फलाना दिखना सब याद रखना है, तो ये कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक मोटर निकल गई। नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर पर। अरे बाप रे, सर आप क्यों मजाक कर रहे हो, अरे मजाक नहीं कर रहे, लेकिन ध्यान देना, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, देखो येलो टिक है उसका मतलब वो है, लेकिन उसके अंदर मतलब नीचे अगर आते हो यहां पर, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर गया, मजा आ गया, इलेक्ट्रिक जनरेटर गया, मजा आ गया इलेक्ट्रिक जनरेटर, बिकॉज बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मोटर, जनरेटर, एसी, डीसी सब याद रखना पड़ता था उसमें भी वापस, तो मजा आ गया, ये दो टॉपिक निकल गए। चलिए और आगे, और लास्ट है डोमेस्टिक वायरिंग। अरे बाप रे सर, क्या दिल खुश कर देता यार, तीनों टॉपिक मेन, तीनों टॉपिक हार्ड, और तीनों टॉपिक में स्टूडेंट कंफ्यूज, सब निकाल दिया, क्या मजा आ गया यार, जल्दी मजा आ गया, जल्दी लिखो हैशटैग मजा आ गया, हैशटैग ले भारी, हैशटैग सरप्राइज, हैशटैग एक्साइटेड। अब तो ये चैप्टर में बचा ही सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, और बहुत कम टॉपिक बचे हैं, तो अच्छे से कर लेना, स्कोरिंग चैप्टर बना के दे दिया आप लोग को, तो मजा आ गया, तो लिखो हैशटैग मजा आ गया, हैशटैग ले भारी। चलिए और आगे, 14 चैप्टर बताना पड़ेगा, 14, 15, 16 चाहिए उसमें, अरे चाहिए सर चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, बिरयानी हम क्यों नहीं खाए, आप अकेले क्यों खाओ, है ना, चलिए सबको खिलाते हैं बिरयानी मेरी तरफ से, चलो बिरयानी मतलब ये जो रिडक्शन है वो सबको साथ में खिलाएंगे। 14 चैप्टर में चलिए पेज नंबर 250 पे जाएंगे, 245 चल दी, आप मैं कौन पहुंचता है, 250 क्या गया, 250 पे क्या गया है, 250 जल्दी 248, चलिए 240 क्या जाता है, यस 250 पे देखो, तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर आपका
एनर्जी फ्रॉम द सी गई चला गया है, एनर्जी फ्रॉम द सी चला गया मतलब आपको इस रिक के रिलेटेड इसके अंदर जो भी है, मतलब 14.3.2 एनर्जी फ्रॉम द सी वो टॉपिक नहीं पढ़ना है। उसके बाद 251 उसी के नीचे है, 251 उसी के नीचे है, क्या है 251 पे है जियोथर्मल एनर्जी 14.3.3 आपको येलो कलर से दिख रहा होगा, लेट मी चेंज द कलर, ये कलर से भी आपको, अरे जरा सा दिखा दूं, ये टॉपिक भी आपको नहीं पढ़ना है, जियोथर्मल एनर्जी भी आपको नहीं पढ़नी है। चलिए न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी भी आपको नहीं पढ़नी है, न्यूक्लियर एनर्जी भी आप लोग को नहीं करनी है। चलिए ओके, तो आप लोग को और आगे चलेंगे, आगे है पेज नंबर 246, आगे पेज नंबर 246, चलो आप पहुंचो, मैं पहुंचा आप पहुंचे, जल्दी 246 पर क्या गया? यस, 246 पर गया है बायोमास और बायोगैस दोनों निकाल दिए, मतलब आपको ये बायोमास भी नहीं पढ़ना है और बायोमास बायोगैस प्लांट भी नहीं पढ़ना है, ये दोनों आप लोग को नहीं करना है, मतलब इसके बारे में कुछ भी आप लोग को लर्न नहीं करना है। लेकिन ध्यान रहे ये सिर्फ इंटरनल टॉपिक्स निकले हैं, बाकी जो इंटरनल टॉपिक्स बचे हुए हैं वो सारे पढ़ने हैं। मैंने यहाँ पर इसलिए आप लोग को टॉपिक नंबर बता रहा हूँ कि 3.2, 3.3, 3.4, मतलब 14.3.2, 14.3.3, 14.3.4, जो एनर्जी फ्रॉम सी, जियोथर्मल, न्यूक्लियर, उसके रिलेटेड आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन बाकी सब आपको पढ़ना है, और बायोमास और बायोगैस आप लोग को नहीं पढ़ना है। मतलब इस टॉपिक के अंदर 14.2.4 में बायोमास और बायोगैस आपको नहीं पढ़ना है, बाकी सब जो भी बचा है वो सब अच्छे से कर लेना। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, नेक्स्ट क्या है तो नेक्स्ट है चैप्टर 15 में क्या गया है। चैप्टर 15 में सिर्फ बड़ा टॉपिक, बड़ी सरप्राइज, बड़ी मछली, ले भारी, लिखो फटाफट, पहुंचता हूं। तो आपका यहां पर गया फूड चेन, फूड चेन निकल गई और फूड वेब दोनों निकाल दिया। मतलब इस टॉपिक में, इस चैप्टर में निकालने लायक एक चीज थी, फूड चेन और फूड वेब, तो बचता है ओजोन लेयर डिप्लीशन वगैरह वाला पार्ट बच जाता है, ये टॉपिक निकाल दिया है। मतलब आपको 15.1.1 मतलब ये फूड चेन और फूड वेब नहीं पढ़ना है, बाकी सारी जो बच गई वो सारी चीजें पढ़नी है। आखिरी टॉपिक आ जाता है, आखिरी चैप्टर नंबर 16, क्या बताने की जरूरत है चैप्टर नंबर 16 जानना चाहोगे? सरप्राइज है चैप्टर नंबर 16, यस चैप्टर नंबर 16। चलिए लास्ट क्या है चैप्टर नंबर 16 का राज, खोल लेते हैं मेरा पिटारा और पेज नंबर पहुंचते हैं 271 पर। चलिए लास्ट 271, पेज नंबर 271, यस स्टैक होल्डर्स, आपको फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के अंदर ये जो स्टैक होल्डर का टॉपिक है वो नहीं पढ़ना है। फॉरेस्ट के लाइफ, वाइल्ड लाइफ के अंदर ये स्टैक होल्डर्स जो भी टॉपिक था ये टॉपिक आप लोग को नहीं पढ़ना है। और उसके बाद पेज नंबर 277 पर आ जाओ, पेज नंबर 277 पर क्या करना है आ गए, ये जो वाटर हार्वेस्टिंग वाला टॉपिक है वो टॉपिक भी आप लोग को नहीं करना है। मींस यहां पर आपका ये पूरा जो साइंस का है वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स के साथ, जरूर शेयर करना। तो स्टूडेंट्स हम लोग ने यहां पर 16 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया, तो आपने वो देखा, हमने 16, लेकिन एक और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दिखाता हूं मैं। तो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है, आप देखो कुछ चीजें मैंने यहां पर, ये गुजराती मीडियम का जो हमारे पास जो था उसका ट्रांसलेशन मैंने आपको दिया है, तो ये जो है ये आप देख रहे हो तो थोड़ा सीरियस नोट है कि भाई ये येलो येलो कलर है, येलो येलो डर्टी फेलो, ये ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको समझाऊं कॉन्सेप्ट क्या है कि कुछ चीजें ऐसी थी जो अभ्यासक्रम में राखेल छे, मतलब कुछ थी और कुछ यहाँ पर ऐसा लिखा था कि अभ्यासक्रम में नथी राखेल, फिर भी वो टॉपिक यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा था। जैसे कि हम लोग विश्वस्थापन प्रक्रिया अने एनी प्रवृत्ति, तो ये दोनों देखो एक ही टाइप है। तब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है मैं आपको बताता हूं, आपको वो टॉपिक पढ़ना है लेकिन उसके अंदर का जो सब टॉपिक था, मतलब जैसे कि प्रवृत्ति, तो प्रवृत्ति का मतलब होता है एक्टिविटी, तो वो एक्टिविटी आपको नहीं पढ़नी है। मतलब वो टॉपिक तो आपको पढ़ना है लेकिन उसकी एक्टिविटी नहीं पढ़नी है। जैसे भी एसिड बेस अने एना रसायन गुणधर्मों की समझ, तो वो टॉपिक यहां पर भी था, नहीं करना है। तो वो टॉपिक क्यों था? बिकॉज एसिड वाली जो एक्टिविटी थी वो नहीं करनी है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि आपको मेन टॉपिक पढ़ना होता है लेकिन मेन टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक्स होते हैं वो नहीं करने होते। इसकी वजह से आपको वो टॉपिक दोनों में रिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसे वो पिंक कलर होता है, आपकी टेक्स्ट बुक में पिंक कलर है, तो
तो वो आपका मेन टॉपिक हुआ, और जो ब्लैक कलर से पॉइंट में लिखा होता है 1.4.1 तो आपका सब टॉपिक हुआ। जैसे 1.4 वो मेन टॉपिक हुआ, 1.4.1 वो आपका सब टॉपिक हुआ। तो ये यहाँ पर ये कंक्लूजन निकलता है। तो मैंने कुछ चीजें येलो कलर से कर दी है। अब मैं स्लोली स्लोली स्क्रोल डाउन करता हूँ, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको आइडिया आ जाएगा कि ये क्यों ऐसा है। ठीक है, थोड़ी सीरियस बात थी, ये बताने लायक थी आप लोग को। हर जगह पर मैंने देखा है और येलो करके रखा है, लेकिन मैंने जो रिडक्शन दिया मैंने क्या किया है, जो टॉपिक नहीं थे वही आपको बताया है, मतलब वो आपका पूरा कट हो गया है, बाकी पूरा आपको पढ़ लेना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, अपने सब्सक्राइब करो मेरी चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, अपने स्कूल में जहां पर भी आपके फ्रेंड्स हो, कोचिंग सेंटर में शेयर जरूर करना, बिकॉज ले भारी आपको प्रेजेंटेशन मैंने पूरा समझाया है, मस्त आपको समझाया है। और एक पहल नई सोच की तरफ जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, तो आप वो कॉन्सेप्ट में मेरा सपोर्ट जरूर करना, सही में आपको मजा आएगा मेरी टीचिंग लेवल का, और मैं किस तरह से आपको कि आप किस तरह से स्कोर कर सकोगे वो सारी चीजें उसमें मैं आपको समझाऊंगा। सिर्फ आपको एक संडे रात को 9 बजे बैठना है, और हर संडे मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे, मैंने आपको बताया इस संडे नहीं उसके बाद वाले संडे को हम लोग मिलने वाले हैं, और फिर वहां से हम लोग जो रिडक्शन आया है उसके ऊपर से मतलब ब्लू प्रिंट से लेकर सारी चीजें मैं उसमें बताऊंगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे चले जाओ, वहां पर आप मेरा रिजल्ट देख सकते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें मेरे को बहुत ही कड़क रिजल्ट मिलता है, तो आप उसमें ज्वाइन होकर मेरा सपोर्ट करना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ नहीं देना है, आपको यूट्यूब पर ही पढ़ना है, तो आप उसमें ज्वाइन होकर जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते वो भी पढ़ सकेंगे। तो इसको शेयर करना, इस वीडियो को मत भूलना, और एक नई पहल को भी शेयर जरूर करना, जीरो से लेकर हीरो तक का सफर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।